सो गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक कर सकते हैं। जब भी आप अपने बैंक को एडसेंस से लिंक करने जाएं, तो आपको दो बातें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले, जिस भी बैंक अकाउंट को आप एडसेंस से लिंक करना चाहते हैं, उस बैंक की आपके पास स्विफ्ट कोड होनी चाहिए। स्विफ्ट कोड इसलिए चाहिए होता है ताकि हम अपने बैंक से फॉरेक्स ट्रांजेक्शन्स को कर सके। स्विफ्ट कोड लेने के लिए आपको अपने बैंक जाना है। वहां पर आप किसी भी सीनियर ऑफिसर से पूछेंगे तो वो आपको आपके बैंक का स्विफ्ट कोड दे देंगे। इसके लिए कोई भी आपको फी और फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे बात की। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये आता है कि अगर एडसेंस मेरे नाम पर है तो क्या मैं किसी अपने फ्रेंड फैमिली किसी दूसरे के बैंक अकाउंट को लिंक कर सकता हूँ? तो इसका आंसर मैं आपको देना चाहूँगा, बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको अपना ही बैंक यहाँ पर लिंक करना है। यहाँ तक कि जो दोनों की स्पेलिंग है, जो आपके एडसेंस और बैंक पर मेंशन है, वो भी सेम होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग या फिर अगर आप अपने फ्रेंड फैमिली किसी दूसरे के बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक करते हैं, तो जब भी एडसेंस से आपका पेमेंट रिलीज होगा वो होल्ड हो जाएगा। इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम अपने बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए कुछ नया सीखते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को ओपन किया हुआ है और मैंने अपने अकाउंट से भी लॉगिन कर रखा है। तो बैंक अकाउंट को एडसेंस से लिंक करने के लिए आपको क्लिक करना है पेमेंट्स पर। तो जैसे ही आप पेमेंट्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैनेज पेमेंट मेथड। जैसे आप मैनेज पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है। तो फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो आपको क्लिक करना है ऐड पेमेंट मेथड। तो जैसे आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए किस तरीके से इसको फिलअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगी बेनिफिशियरी आईडी। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा नेम ऑन बैंक अकाउंट। यहाँ पर आपको वही नाम एंटर करना है जो आपके बैंक अकाउंट पर मेंशन है। उसके बाद आपको पूछी जाएगी बैंक नेम। यहाँ पर आपको अपने बैंक का नाम टाइप कर देना है। उसके बाद आपको टाइप करना है IFSC कोड। यहाँ पर आपके बैंक की IFSC कोड को एंटर करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है स्विफ्ट कोड। यहाँ पर आपको जो भी बैंक से आपको स्विफ्ट कोड मिला हुआ है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देनी है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट का नंबर है वो यहाँ पर आप टाइप कर दें। उसके बाद वही जो बैंक अकाउंट नंबर है वापस से यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद ये दोनों चीज़ों को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपने ऑलरेडी अकाउंट को लिंक कर रखा है। जैसे आपका बैंक अकाउंट एडसेंस से लिंक हो जाता है, वो इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। अगर आप भी अपने YouTube वीडियोस के लिए फ्री और नॉन कॉपीराइटेड स्टॉक वीडियोस, स्टॉक म्यूजिक्स और साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये वाली वीडियोस ज़रूर देखें।